हेलो गाइस, तो हमने पिछली वीडियो में जो है देखा था कि कैसे आपको जो एडसेंस का अकाउंट बनाना, कैसे उसमें इन्फॉर्मेशन आपको जो है सारी अपनी डालनी है। और अब इसमें देखेंगे कि आपका जो कोड जो जनरेट होता है उसको आप कैसे कॉपी करोगे अपनी वेबसाइट, या जो भी आपकी वेबसाइट आपने जो बनाई होगी वर्डप्रेस की, या फिर जो भी HTML पे है उस पर आप कैसे कॉपी करोगे। ठीक है, तो ये अब जो पूरा ट्यूटोरियल है, जो पूरी वीडियो सीरीज़ है, ये हमने वर्डप्रेस पे ही कवर किए, तो वर्डप्रेस के अंदर हम कॉपी करेंगे इसको। ठीक है, तो सिंपली आपको ये पहले कॉपी करना है कोड, आपको अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के डैशबोर्ड के अंदर आना है। वर्डप्रेस के लिए आप जो है पिछली हमारी वीडियोज उसमें कवर कर रखा, जो फर्स्ट वीडियो मॉड्यूल था वेबसाइट प्लानिंग एंड क्रिएशन का। ठीक है, तो यहाँ पर हम आएंगे, अपीयरेंस में जाएंगे, थीम्स पे क्लिक करेंगे। तो इसके दो तीन मैं वेज आपको बता दूंगा कि कैसे आप इसमें अलग अलग उससे कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो आपकी थीम थी, यहाँ फिर हम थीम एडिटर पे क्लिक करेंगे। हम कई थीम्स आपको ऑलरेडी इजी वो मतलब एक प्रोवाइड करते हैं कि आप जो कोड है, जो भी स्क्रिप्ट है जावा स्क्रिप्ट, वो आपको कोड लगा सको। मैं आपको दो तीन वे शोज कर दूंगा इसके अलग अलग, कैसे आप इसमें कर सकते हैं, ताकि कोई भी आपको जो है ईजी लगे, आसान लगे, वो आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थीम हेडर, और इसमें एक बार सर्च कर लेता हूँ, और कोई थीम है, इसको थीम हेडर पे यहाँ पे हम आएंगे। ठीक है, तो ये जो आपका जो टॉप का पार्ट होता है, जिसमें आपका जो टाइटल है, वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन, सब यहाँ पे हेड उसमें डालते हैं हम, या मैं हमने आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बताया था। तो हेड के अंदर जो है आपको जो अपना जो कोड है वो प्लेस करना है। स्क्रिप्ट हम यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे जो है कॉपी पेस्ट कर देंगे अपने वेबसाइट की। ठीक है, तो इसको कर देंगे एक बार अपडेट, फाइल फाइल आपकी अपडेट हो गया। एक तो था ये तरीका कि आप जो अपने वेबसाइट के थी, ये वर्डप्रेस के जो आपका एडमिन पैनल होता है उसके थीम एडिटर में आके कोड आप डाल दो। एक जो हम इसको बताएंगे आपको, जो हमने बताया था फ्लैटसम की थीम आप इंस्टॉल कर सको, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको प्रोवाइड भी कर रहे हैं, डाउनलोड फोल्डर से जाके आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो थीम में हम कैसे यहाँ पर डालेंगे, एडवांस पे क्लिक करेंगे इसकी वेबसाइट पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन आपको थीम प्रोवाइड करती है। मान लो आपकी चाहते हो कि इसमें ना आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, तो यहाँ पे भी आप आके कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी सारे स्क्रिप्ट का डेटा होगा, ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो हमने अपनी जो स्क्रिप्ट होगी यहाँ पे हमने डाल लिया। अब इसको सिंपली हमने जो है सेव ऑल चेंजेस, यहाँ पे आपका सेव, तो दोनों आपके गाइस ऑप्शन है, कहीं भी आपको जहाँ पे ईजी लगे वहाँ से आप डाल सकते हो। और इसका मैं आपको प्लगइन के थ्रू भी बता दूंगा, एक प्लगइन के थ्रू कैसे करते हैं। फिलहाल के लिए इसको यहाँ से हटा देते हैं, आपको सिर्फ कोड जो है एक ही जगह रखना है। ठीक है, तो अब एक बार जो है सबसे पहले इसको यहाँ पे टिक कर देते हैं, आई हैव, मैंने जो अपना कोड है अपनी वेबसाइट पे पेस्ट कर दिया है, डन पे क्लिक करेंगे। अब ये कोड चलेगा आपकी वेबसाइट पे जाके, द कोड वॉज फाउंड। ठीक है गाइस, इनको जो है कोड था, जो वेबसाइट चेक करी, इनको कोड मिल गया आप गूगल की टीम को। ठीक है, अब देख सकते हैं इसमें वी आर रिव्यूइंग योर साइट, दिस यूजली टेक्स, इसमें मतलब लगभग आपकी वेबसाइट पहले गूगल चेक करेगा वेबसाइट पर आपका क्या कंटेंट है, ओरिजिनल है कि नहीं, कैसा ट्रैफिक आ रहा है, कितने यूजर्स हैं, पूरा इसको एनालाइज करेगा आपकी वेबसाइट को। फिर ये मतलब जनरली 1 से 2 हफ्ते इसको लगते हैं, पूरा अप्रूव होने के बाद आपको जो है नोटिफिकेशन मेल आपके मेल पे आएगा वो। तो जब सब हो जाएगा, जो आपके जो बाकी ऑप्शन दिख रहे हैं ना गाइज आपको, तो ये भी आपके एनेबल हो जाएंगे, अभी आपके इसमें डिसेबल हो रखे हैं ये। ठीक है, तो ये सब एनेबल हो जाएगा आपका, उसके बाद आपकी जो वेबसाइट पे है एड्स डिस्प्ले होने लगेंगी। एक बार मैं इसमें आपको दोबारा दिखा देता हूँ, और इसमें आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी बता देता हूँ कि जनरली लोग जो है क्या गलती करते हैं। ठीक है, तो आपकी जो ऐड ऐसे जो भी आपका ब्लॉग होगा, वेबसाइट होगी, उस ऐसे डिस्प्ले होने लग जाएगी एक बार अप्रूव होने के बाद। अब इसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या बताना चाहूँगा गाइज, जैसे ही आपकी जो ये वेबसाइट है, जैसे हमारी कंपनी वेबसाइट है, तो जो भी आपकी कंपनी वेबसाइट है, कोई भी आप जैसे प्रोडक्ट सेल करो, तो उस पर आपको कभी नहीं अपनी जो है एडसेंस लगाना, उस पर एडसेंस नहीं लगाना कभी भी आपको कंपनी वेबसाइट के अंदर। कोई भी आप ब्लॉग है, या कुछ भी आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, या कुछ भी ब्लॉगिंग के थ्रू कुछ भी सेल कर रहे हो, तो वहाँ पर आप एड्स अपनी लगा सकते हो। क्यों आपको नहीं लगानी चाहिए गाइज, प्रोफेशनल आपकी वेबसाइट है, कंपनी की वेबसाइट, उसमें आपको एड्स दिखेंगी तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है।
ठीक है, तो प्रोफेशनल बिजनेस की वेबसाइट पर कभी भी आपको ऐड यूज़ नहीं करनी। अगर आप ब्लॉग लिख रहे हो या कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो उसमें आप अपनी एड्स लगा सकते हो, क्योंकि प्रोफेशनल वेबसाइट कंपनी की वेबसाइट्स पे कभी आपने देखा होगा आपको एड्स नहीं डिस्प्ले होंगी, बहुत ही लाइक अनप्रोफेशनल लगती है वो चीज़। ठीक है, तो एक बार जो है आपका नोटिफिकेशन मेल आ जाएगा, आपके सारे जो है यहाँ पे पॉइंट जो है एनेबल हो जाएंगे। तो जैसे जैसे आपकी वेबसाइट पे अब जो ट्रैफिक आएगा एड्स पे क्लिक करेगा तो आपके उससे वहाँ से इनकम शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस तो ये सारा आपका इसमें कवर हो गया। एक बार मैं इसका जो है आपको प्लगइन भी बता देता हूँ, प्लगइन का क्या फ़ायदा होता है वो भी बता देता हूँ इसमें आपको। ठीक है, तो आपने जो था जैसे बाकी मैंने आपको बताया था कि आपने ऐड यहाँ पे स्क्रिप्ट लगा दी, इसमें क्या होगा कि गूगल जो है अपने तरीके से शो करेगा उसको, जहाँ जहाँ स्पेस मिलेगा वहाँ पे जो ऐड वो लगा देगा। दूसरा तरीका क्या होता है एक प्लगइन के थ्रू क्या बेनिफिट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एडसेंस यहाँ पे आपने सर्च किया, एडसेंस जो हम अप्लाई करेंगे प्लगइन के थ्रू अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक बार इसमें जो है चेक कर लेते हैं, एक बार जो हम ये प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं। इसमें प्लगइन्स वैसे काफ़ी सारे होते हैं अगर आपको एड्स प्लेसमेंट करना है अपने अपने जो वेबसाइट के ऊपर, बहुत सारे प्लगइन्स हैं उसके लिए। इसको एक बार हम एक्टिवेट कर लेते हैं। ठीक है, एक बार ये जो इसका दूसरा प्लगइन है वो भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक बस प्लगइन्स का आपको क्या बेनिफिट होगा कि जैसे आप उसमें जो है प्लेसमेंट सेलेक्ट कर सकते हो कि जैसे आपको कहाँ का उसमें ऐड जो है आपकी ऐड है कहाँ पे आप उसको शो करना चाहते हो, जैसे आपके जो ब्लॉग पोस्ट है टाइटल के नीचे शो करनी है, फिर सबसे एंड ऑफ द पोस्ट आपको जो है डिस्प्ले करनी है अपनी जो ऐड है यहाँ पर डिस्प्ले करनी है, या सबसे टॉप पे डिस्प्ले करनी है, इसके ऊपर डिस्प्ले करनी है। तो ऐड ये जो प्लगइन है बस इसका ये फ़ायदा होता है, नहीं तो अगर आप डायरेक्ट इसमें जो ऐड ये जो कोड है वो डाल के यूज़ करोगे तो गूगल अपने हिसाब से जहाँ उसको स्पेस मिलेगा वहाँ पर एड्स लगाएगा आपकी। तो प्लगइन और इसका ये यूज़ करने का बस यही फ़ायदा है इसमें। और जनरली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लगइन के थ्रू हमेशा यूज़ करिएगा ताकि इसमें आपको ऑप्शन मिले कहाँ पर ऐड डिस्प्ले करनी है कहाँ पर नहीं करनी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें जो है आपके सारे इसमें, एक बार इस पर कुछ न्यू ऐड यहाँ पे टाइटल डाल देते हैं उसका। यहाँ पे आपको जो है बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे कैसे आपको जो अपनी ऐड यूज़ करनी है, जो हम डमी एक बार चेक कर लेते हैं यूज़ करके। ठीक है, यहाँ पे जो आपका कोड था जो आपको गूगल से मिलेगा, ये वाला जो कोड है आपको यहाँ पे पेस्ट करना होगा। ठीक है, ऐसे ही आपने जो है कोड यहाँ पे डाल दिया। अब इसमें आप मार्जिन भी सिलेक्ट कर सकते हो, कितनी आपको लाइक मार्जिन स्पेस देना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, ये सारे भी फीचर इसमें आप कर सकते हो। एक बार इसको पहले चेक कर लेते हैं। ओके, हमारा जो ऐड ब्लॉकर है इससे दिक्कत हो रही है, एक बार इसको डिसेबल कर देते हैं हम। एक बार जब रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे पेज को, ठीक है, तो एक बार प्लेसमेंट में आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे जो है शो हो रहे हैं कि आपको हेडिंग के अंदर करना, बॉडी के अंदर करना, साइड पे डिस्प्ले करनी है, उसको बीच में डिस्प्ले करना, कंटेंट के अंदर, कंटेंट के नीचे करना है, कंटेंट के ऊपर करना, कंटेंट के बीच में करना है। तो ऐसी ऐसी प्लेसमेंट्स आपको ऑप्शन से मिलेगा यहाँ से। ठीक है, और जो आपको यहाँ पर नेम डाल देना न्यू प्लेसमेंट,
और जो आपको है सेव न्यू प्लेसमेंट कर लेना अगर आप चाहते हैं, ठीक है। सो मल्टीपल आपको ऑप्शंस यहाँ पे देता है प्लेसमेंट्स के लिए। सेटिंग्स पे एक बार इसमें चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे और इसमें आप सबसे बेस्ट जो है करेंगे, इसमें आपको यहाँ पर डिसेबल करनी है ताकि जो आप जो एड्स हैं आपको ना शो हो। अगर आप लॉग्ड इन है वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर तो आपको एड्स नहीं मतलब शो होनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत बार एडिट करोगे, बार बार आप उन एड्स को देखोगे तो गूगल उस पर भी वायलेट कर देगा आपकी गाइडलाइंस को, जिससे कि आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये भी आपको मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे मिलेंगे इसमें, तो सारे ऑप्शन देख सकते हो आप यहाँ आपको कि आपको डिसेबल करना है कि आपको जो है एनेबल करना है। यहाँ से एक बार इसमें भी देख लेते हैं सेटिंग्स में, ठीक है। यहाँ पे अब आपको शो हो रहा ऑप्शन येस आई हैव एडसेंस अकाउंट, नो आई डोंट हैव अ, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिलेगा अगर आपको यहाँ से क्रिएट करना है तो। कनेक्ट टू एडसेंस कर लेते हैं यहाँ पे, ये एक बार मैन्युअली कर लेते हैं, ठीक है। तो जो आपको जो कोड मिला था वो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो आपका जो कोड था वो आपको यहाँ पे पब्लिश जो अपनी आईडी यहाँ पे करनी है। कनेक्ट टू एडसेंस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो जो भी आपका जो कोड होगा वो एक बार यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा जिस अकाउंट से भी आपने साइन अप किया होगा गूगल के, ठीक है। तो इसमें एक बार जो मैं देख लेता हूँ, अगर मेरा यहाँ पे कोड ऑलरेडी इसमें अनेबल्ड था, अकाउंट मेरा ऑलरेडी अनेबल्ड है इसमें, तो मैं इसको अलाउ कर लेता हूँ। ओके, कोड आपको इसने दे दिया, यहाँ पे कोड हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, सबमिट कोड को करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा जो एडसेंस एप्लीकेशन अभी अंडर रिव्यू है, जब अप्रूव हो जाएगी तो यहाँ से आपकी पूरी डिस्प्ले हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो बस इसको यहाँ पे आपको सेव सेटिंग्स कर लेनी है यहाँ पे। तो जो भी आपको प्लेसमेंट्स था मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसमेंट कैसे, और जो बाकी सेटिंग्स है वो भी आप इसमें चेक कर सकते हो। तो प्लेसमेंट यहाँ से जाके आप चेंज कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो कहाँ पर जो आपको अपनी एड है डिस्प्ले करनी है, कंटेंट के ऊपर नीचे कहाँ भी डिस्प्ले कर सकते हो। तो तीनों मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए हैं। एक जो होगा वेबसाइट के जो थीम के एडिटर में जाके यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हो हेड हेडिंग टैग के अंदर, ठीक है। एक ये कर सकते हो, या फिर जो थीम कस्टमाइज था वहाँ पे जाके थीम के जो एडवांस सेक्शन होगा, कई थीम्स आपको अलाउ करती हैं, कई थीम्स मतलब अलाउ नहीं करती, तो सब थीम्स के अलग अलग होगी, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। या फिर सिंपल है, अगर आप प्लगइन इंस्टॉल करो, कोड कॉपी पेस्ट करो और उसमें जो प्लेसमेंट्स मैनेज करो, और आपका जो एडसेंस अकाउंट होगा आपकी वेबसाइट पर लाइव हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसी आपको जो समझता आ गया होगा कैसे आपको अप्लाई करना अपनी वेबसाइट या ब्लॉग के अंदर, ठीक है। तो थैंक यू फॉर द डे, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में।